Fijian Indian cuisine is Chef Krishan's speciality. Inspired by local ingredients and homeland spice, Krishan's teaching me how to create the best and fastest crab curry you'll ever taste. Ab we're going to start shuru karega crab curry banane ke. Chaliye. To pehle tel dalte. Canola oil thoda sa aur preference dejan ke preference hai healthy eating so they use olive oil. Acha. Aur safed pyaz. Ji, safed pyaz. Ab main करी पत्ता छोड़ूंगा और ये रेसिपी अभी आपकी माँ ने सिखाया आपको जी और आप कितने साल के थे जब आप ये ट्राई किए थे पहली बार 10 साल के जस्ट 10 इयर्स ओल्ड 10 इयर्स ओल्ड तो फिर माँ ने बोला तू सीखेगा मैं बोला हाँ पहला ट्राई कैसा रहा था पहला ट्राई ठीक था बस ठीक हाँ फिर मम हैड टू मम ने ऑल इंग्रेडिएंट डाल के एवरीवन टू ईट इट और ये काफी बड़े क्रैब्स हैं जी काफी बड़े मतलब आई हैव नेवर सीन क्रैब्स दिस लार्ज एक्चुअली न्यूजीलैंड में दे कॉल इट स्नैप क्रैब्स ओके दीज आर द नॉर्मल क्रैब्स प्रीटी मैसिव यू कैन ओनली इमेजिन हाउ बिग द बॉडीज आर एंड लॉट्स ऑफ फ्लैश इन देयर आई इमेजिन जी फिजी में ज्यादातर मिलता है कि न्यूजीलैंड में भी मिलता है ये न्यूजीलैंड क्रैब्स है पर फिजी में We use mud crab. So mud crab क्या होता है एकदम काले रहता है जब बका एकदम लाल ब्राइट डार्क रेड देता है तो नाउ अब I'll add जीरा सरसों Is that a secret mix? Because I can see five different things going on in there. There's only four. Okay, So fennel, cumin, black mustard, and white mustard, and that's all you put. Keeping it simple, are we? Very simple. तब ये जब fry हो रहा है अब इसमें लहसुन अदरक फ्रेश चिली रेड एंड ग्रीन मिक्स राइट अब इसके फ्राई करते हैं काफ़ी तेज आग पे कर रहे हैं आप जी तो क्या होता है तो प्याज में फ्लेवर जाता है बिकॉज कभी कभी प्याज जब पकता नहीं है तो प्याज मीठा हो जाता है हल्दी होममेड मसाला होममेड गरम मसाला है जी केकड़ा और क्रैब और साउथ इंडियन जिसे नंद आप तमिल भी जानते हैं हाँ इन फिजी विसे नंगारी आप ये सब डालेंगे इसमें कि बस थोड़े से पीसेस आधे काफी सिंपल रेसिपी है जी वेरी सिंपल जल्दी से बन जाता है लगता है जी वेरी सिंपल फिर अब इसके आस्ते करके पकने दो पानी भी डाल सकता है अगर यू वांट ग्रेवी पानी भी डाल बट नॉर्मली पानी नहीं डालते हैं पहले इसके भूजते हैं बिकॉज क्रैब हैज़ वाटर कंटेंट तो वो पानी बाहर आ जाता है और फ्लेवर ज़्यादा हो जाता है जी ये अबाउट 15-20 मिनट में रेडी हो जाएगा That's a super quick recipe, so no excuses for not trying that at home. So what's next, chef? Next is dalbari roti. और ये दालबरी रोटी भी बहुत ही ट्रेडिशनल फिजी एंड इंडियन डिश है दालबरी रोटी बनता है जैसे कोई फंक्शन रहे और समवनस बर्थडे और इफ यू फील लाइक इट जब मन कर रहा है तब तो बना लेते तो रोटी खा और फिजी में आप काफ़ी कोकोनट मिल्क यूज़ करते हैं जी बिकॉज फिजी में इधर देखो उधर देखो तो नारियल पेड़ है तो आप काफ़ी लकी हो कि आपके माँ ने ये रेसिपी पास ऑन किया है आपको जी कल ही मैं ये रेसिपी जानता हूँ So let's enjoy. Thank you. Just forward like to it. Let's do it. आप पहले शुरुआत करिए. Thank you. Beautiful. It's really, really incredible. As they say in Fiji, बहुत जुलम है. Is that right? Right. बहुत जुलम. Enjoy. Thank you. This program was made with the support of New Zealand On Air.